हाय गाइस, दिस इज श्रुति। वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद श्रुति। हम लोग क्लास 9 का मैथ्स सॉल्व कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 2, रियल नंबर्स। और उसमें हम लोगों ने 2.3 तक कर लिया है, ठीक है। प्रैक्टिस से 2.3 तक कर चुके हैं हम लोग। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बाइनोमियल क्वाड्रेटिक सॉर्ट। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? बाइनोमियल क्वाड्रेटिक सॉर्ट, ठीक है। पहले वाला जो प्रीवियस लेक्चर है हमारा, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डाल दूंगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, बाइनोमियल क्वाड्रेटिक सॉर्ट। दिख रहा है प्रॉपरली? ओके। द सम और डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स, वन ऑफ विच इज अ क्वाड्रेटिक सॉर्ट, द अदर आइदर अ नॉन जीरो रैशनल नंबर और अ क्वाड्रेटिक सॉर्ट इज कॉल्ड बाइनोमियल क्वाड्रेटिक सॉर्ट, ठीक है। क्या लिखा है मैंने? द सम और डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स। अगर कोई दो नंबर है, उनका सम या फिर डिफरेंस, क्या नाम, प्लस या फिर माइनस, जिसमें से एक क्वाड्रेटिक सर्ड है। क्वाड्रेटिक सर्ड यानी अगर हम बात करें √2 की या फिर √3, ये क्या हो गया? क्वाड्रेटिक सर्ड। द अदर आइदर अ नॉन जीरो रैशनल नंबर। नॉन जीरो रैशनल नंबर यानी 3, 2, 4, 5, 6, समथिंग, इट मे बी एनीथिंग, है ना। तो एक नंबर पॉजिटिव रैशनल नंबर है, यानी कि 2, 3, 4, 5, 6, समथिंग लाइक दैट। और एक नंबर क्वाड्रेटिक सर्ड है, या फिर हम बोल सकते हैं इरेशनल नंबर है, यानी कि √2, √3, इस प्रकार से, ठीक है। तो इन दोनों नंबर का सम या फिर डिफरेंस क्या कहलाएगा? बाइनोमियल क्वाड्रेटिक सॉर्ट, ठीक है। क्या लिखा है हमने? द सम और डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स, जिसमें से एक क्वाड्रेटिक सॉर्ट है एंड द अदर इज आइदर नॉन जीरो रैशनल नंबर और अ क्वाड्रेटिक सॉर्ट। मतलब एक तो क्वाड्रेटिक सॉर्ट है और दूसरा या तो क्वाड्रेटिक सर्ड या फिर रैशनल नंबर। तो ऐसे दो नंबर्स का सम या फिर डिफरेंस क्या कहलाएगा? बाइनोमियल क्वाड्रेटिक सर्ड, ठीक है। ऐसे नंबर्स का सम और डिफरेंस को हम क्या बोलेंगे? बाइनोमियल क्वाड्रेटिक सर्ड, ठीक है। इसे हम और अच्छे से एग्जाम्पल से समझेंगे। तो देखिए, हमारे पास एग्जाम्पल है ए प्लस एक्स रूट बी, और सेकेंड है ए माइनस एक्स रूट बी, ठीक है। थर्ड एग्जाम्पल है एक्स रूट ए प्लस वाई रूट बी। फोर्थ वन इज एक्स रूट ए माइनस वाई रूट बी, ठीक है। इस प्रकार से कुछ एग्जाम्पल्स हैं। अब ये जो अननोन नंबर्स हैं, तो ये ए बी एक्स और वाई, ये क्या है? नॉन जीरो रैशनल नंबर्स। ये क्या है? नॉन जीरो रैशनल नंबर। और नॉन जीरो रैशनल नंबर को हम क्या बोलते हैं? पॉजिटिव रैशनल नंबर, यानी 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 कुछ भी हो सकता है, क्लियर। और रूट ए और रूट बी क्या है? तो वो है क्वाड्रेटिक सॉर्ट्स। रूट ए और रूट बी क्या है? क्वाड्रेटिक सॉर्ट्स। समझ में आया? तो ऐसे जो एक्सप्रेशंस हैं, ये क्या कहलाएंगे? बाइनोमियल एक्सप्रेशंस ऑफ क्वाड्रेटिक सॉर्ट्स। इन्हें हम क्या बोलेंगे? बाइनोमियल एक्सप्रेशंस ऑफ क्वाड्रेटिक सॉर्ट्स। समझ में आया? हम अब ये जो अननोन टर्म्स है, इसमें हम कुछ नंबर लेके देखते हैं। जैसे कि एक नंबर मैंने लिया है 5 + 3 √2, वैसे ही a माइनस एक्स बी में क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 5 - 3 √2, इस प्रकार से हो सकता है ना। फिर थर्ड वाला है x रूट ए, तो x की जगह पे हम 2 ले लेते हैं, रूट ए की जगह पर हम 3 ले लेते हैं। प्लस y, तो y भी एक नंबर ले लिया हमने 4, और रूट भी हमने ले लिया 5, ठीक है। इस प्रकार से कुछ भी नंबर बन सकता है ना। फिर फोर्थ है x, तो x ले लिया हमने फिर से 2, रूट ए ले लिया 3, माइनस y, y की जगह पर ले लेंगे 4, और रूट भी की जगह पर ले लेंगे 5, ठीक है। तो इस प्रकार से कुछ एग्जाम्पल्स हो गए हमारे, है ना। अब आगे मैंने लिखा है द प्रोडक्ट ऑफ टू बाइनोमियल सॉर्ट्स, जैसे कि √3 एंड -2 एंड √3 + √2। अगर दो बाइनोमियल सर्ड्स हैं तो उनका प्रोडक्ट यानी उनका मल्टीप्लाई, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, जब गुणाकार करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा? एक पॉजिटिव रैशनल नंबर मिलेगा। क्या मिलेगा? एक पॉजिटिव रैशनल नंबर, ठीक है। अब जैसे कि मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया है √3 - √2 एंड √3 + √2, इन दोनों का हमको क्या करना है? प्रोडक्ट करना है। प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई करना है। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ए प्लस बी, ए माइनस बी वाली आइडेंटिटी दिख रही है कुछ? ये देखिए √3 - √2, अगर √3 को हम a ले ले और
रूट टू को हम बी ले ले, तो ये क्या है ए माइनस बी और ये क्या है ए प्लस बी, दिख रहा है प्रॉपरली? तो ए माइनस बी ए प्लस बी किसके बराबर होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर। ये प्रॉपर्टी हम पढ़ते हैं पहले भी, है ना, पढ़ चुके हैं। तो रूट थ्री का स्क्वायर माइनस रूट टू का स्क्वायर जो कि किसके बराबर होगा, देखिए ये क्या बन जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो ये थ्री, स्क्वायर से रूट कैंसिल तो ये हो गया टू, तो थ्री माइनस टू विल बी इक्वल टू वन। मतलब वन हमें क्या मिल गया, एक रैशनल नंबर, ठीक है। हैंस रूट थ्री माइनस रूट टू एंड रूट थ्री प्लस रूट टू ये दोनों क्या हो गए, कॉन्जुकेट पेयर्स हो गए एक दूसरे के, ये दोनों एक दूसरे को क्या हो गए, कॉन्जुकेट पेयर्स। समझ में आया? मतलब अगर हम दो बाइनोमियल सर्ड्स का प्रोडक्ट करते हैं यानी मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो उसका जो आंसर आएगा वो रैशनल नंबर आएगा। इसका मतलब ये जो दो बाइनोमियल सर्ड्स थे वो कॉन्जुकेट पेयर्स कहलाएंगे। कॉन्जुकेट पेयर्स में यानी एक अगर प्लस में है तो दूसरा माइनस में। समझ में आया? जैसे कि रूट फोर प्लस रूट सिक्स, तो इसका कॉन्जुकेट क्या होगा, रूट फोर माइनस रूट सिक्स, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एक लाइन लिखी है, द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जुकेट बाइनोमियल सर्ड इज अ रैशनल नंबर, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। अब रैशनलाइजेशन क्या होता है, हमने कुछ क्वेश्चंस करे थे प्रैक्टिस सेट 2.3 में, तो उसमें डिनोमिनेटर में सिर्फ एक नंबर था जो कि इरेशनल था, फॉर एग्जांपल रूट टू या रूट थ्री, समथिंग लाइक दैट, ठीक है, रूट के अंदर था। लेकिन अब ये जो हम इसके आगे करने वाले हैं तो वो कॉन्जुगेट पेयर्स को ध्यान में रख के करने वाले, मतलब कि डिनोमिनेटर में भी दो इरेशनल नंबर्स होंगे प्लस माइनस में, समथिंग लाइक दैट, ओके। तो रैशनलाइजेशन क्या होता है, द प्रोडक्ट ऑफ टू बाइनोमियल सर्ड्स इज ऑलवेज अ रैशनल नंबर। अभी हमने पढ़ा थोड़ी देर पहले कि अगर हम दो बाइनोमियल सर्ड्स का प्रोडक्ट करते हैं यानी मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या बनेगा, एक रैशनल नंबर बनेगा हमेशा। यूजिंग दिस प्रॉपर्टी द रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर इन द फॉर्म ऑफ बाइनोमियल सर्ड कैन बी डन। और इस प्रॉपर्टी का यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, रैशनलाइज कर सकते हैं डिनोमिनेटर को, क्लियर। एग्जाम्पल से समझेंगे इसको भी कैसे करना है। तो एग्जाम्पल है हमारे पास 3 अपॉन रूट 11 प्लस रूट 5, ठीक है, 3 अपॉन रूट 11 प्लस रूट 5, ये हो गया एग्जाम्पल। अब इसका कॉन्जुगेट पेयर क्या होगा, तो कॉन्जुगेट पेयर हमको किसका चाहिए, डिनोमिनेटर का, ये जो डिनोमिनेटर में नंबर है इसका, ठीक है। तो अभी देखा था हमने अगर दो बाइनोमियल सर्ड्स हैं और उसका प्रोडक्ट रैशनल नंबर आ रहा है, मतलब ये दोनों बाइनोमियल सर्ड्स क्या कहलाएंगे, कॉन्जुगेट कहलाएंगे। तो कॉन्जुगेट में एक होता है माइनस में, दूसरा होता है प्लस में। अब जैसे कि यहाँ पर एक प्लस में है तो इसका कॉन्जुगेट पेयर कायम में होगा माइनस में, तो ये हो गया रूट 11 प्लस रूट 5, मतलब इसका कॉन्जुगेट पेयर हो जाएगा रूट 11 माइनस रूट 5, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, रैशनलाइजेशन करना है हमें, तो 3 अपॉन 11 प्लस रूट 11 प्लस रूट 5 को हम इस प्रकार से लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा। हम क्या करेंगे, ये रूट 11 प्लस रूट 5 है तो प्लस की जगह माइनस करना है और इसका मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, मतलब न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना है और डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करना है। तो रूट 11 माइनस रूट 5 और अपॉन में रूट 11 माइनस रूट 5, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा 3 इंटू रूट 11 माइनस रूट 5, तो एज इट इज़ रहेगा, और अपॉन में क्या हो जाएगा, तो ये देखिए फिर से वही आइडेंटिटी लग रही है, a प्लस बी ए माइनस बी जो कि किसके बराबर होता है, होता है वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, क्लियर। तो ये हो जाएगा रूट 11 का स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस रूट 5 का स्क्वायर, क्लियर। तो इसको हम क्या लिख देंगे, 3 इंटू रूट 11
माइनस रूट फाइव एज इट इज होल अपॉन में 11 माइनस 5, तो ये बन गया 3 इंटू रूट 11 माइनस रूट 5 होल अपॉन में 11 माइनस 5 कितना होता है 6, तो 3 वन टाइम्स एंड दिस इज 2 टाइम्स, तो आंसर हमको क्या मिल गया, रूट 11 माइनस रूट 5 अपॉन 2, ठीक है, तो ये हमें मिल गया आंसर। तो मतलब हमने आज आज के लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा, हमने देखा बाइनोमियल ऑफ बाइनोमियल क्वाड्रेटिक सर्ड, यानी कि कुछ सर्ड्स होंगे और हमें क्या करना है, उसका प्लस या फिर माइनस करना है, तो हमें क्या मिलेगा, एक रैशनल नंबर मिलेगा, क्लियर। और दूसरी चीज़ हमने ये पढ़ी कि अगर हम बाइनोमियल सर्ड्स का प्रोडक्ट करते हैं तो हमें आंसर में क्या मिलेगा, एक रैशनल नंबर मिलेगा, क्लियर। फिर उससे ही हमने तीसरी चीज़ पढ़ी, रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर, मतलब अगर हमें दो बाइनोमियल सर्ड्स का प्रोडक्ट करके एक रैशनल नंबर मिल रहा है, मतलब वो दोनों सर्ड्स कॉन्जुगेट कहलाएंगे, यानी एक प्लस में दूसरा माइनस में, तो उन कॉन्जुगेट पेयर्स को हम यूज़ करके डिनोमिनेटर में रैशनलाइजेशन करेंगे, जैसे कि हमने इस एग्जाम्पल में किया था, क्लियर। तो ये लेक्चर में हमने तीन टॉपिक्स पढ़े, अब इसके आगे हम लोग करेंगे प्रैक्टिस सेट 2.4, ठीक है, थैंक यू।